तराना से पुतला दहन करने आए राष्ट्रीय राजपूत कली सेना के सैनिकों को तराना पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बेरंग लुटाया। जी ये जुमला नहीं तराना के हकीकत बयां करती हुई तस्वीर है। उक्त मामला इस प्रकार है। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान भोपाल में राष्ट्रीय राजपूत कली सेना एवं सर्व समाज के द्वारा अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर महा आंदोलन किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं न ही किसी मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगों को मानना उचित नहीं। हालांकि प्रदेश के क्षत्रिय वर्ग के मंत्रियों से दिन भर बातचीत का दौर चला, लेकिन उचित निर्णय नहीं निकल पाया, जिसके पश्चात कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर एवं उनके कर्णी सैनिकों द्वारा आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं भोपाल में पुलिस एवं प्रशासनिक अमले द्वारा आंदोलन को खत्म करने हेतु डरा धमका कर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप तराना तहसील के कर्णी सैनिक सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित होकर सोमवार शाम 6 बजे पुतला दहन करने के लिए स्थानीय महितपुर नाके पर एकत्रित हुए एवं शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी सूचना तहसीलदार डीके वर्मा एवं तराना पुलिस को लगी। तराना पुलिस के अधिकारी द्वारा पुतला दहन करने आए कर्णी सैनिकों को समझाइश देकर पुतला अपने कब्जे में लिया एवं पुतला दहन करने से रोका एवं कर्णी सैनिकों को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने की बात कही। वहीं कर्णी सैनिकों द्वारा तहसीलदार डीके वर्मा को तहसील कार्यालय पहुंच 22 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार डीके वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। मांग की गई कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा कर्णी सेना उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।